भाई मैं तो पहली बार गुफाओं में आया हूँ और यहाँ की गुफाएं देख के तो मेरी हालत पतली हो गई। कोई नहीं, फिर हम तो निकल जाएंगे। पहली बार इस गुफा में आया हूँ भाई, बहुत खतरनाक जगह है। वो ज्यादा ही रास्ता में लोग आगे से। अबे यार फंस गया क्या? अलग लेवल का एडवेंचर। और यहाँ देखिए हम बीच में फंस चुके हैं। यहाँ पर लेट लेट के निकलना पड़ रहा। ओ भाई बहुत ही शानदार नजारे। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। जी हाँ, इस टाइम हम नैनीताल में वेलकम कैप गार्डन में। जी आपको बहुत ही मजा आएगा हमारे साथ में। यहाँ पर इस गार्डन में काफ़ी सारी गुफाएं और गुफाओं के साथ में बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज भरी जगह, एडवेंचर की जगह। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भाइयों और देखिए इस ब्लॉग को हमारे बिल्कुल लास्ट तक। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं इस समय कैप पार्क जिसे कैप गार्डन भी कहा जाता है। दिखाएंगे आपको, लिए हमने दो टिकट, 100 रुपये इसका पर टिकट है। दिखाएंगे आपको कैसा यहाँ का व्यू है अंदर से। देखिए नैनीताल से हाई कोर्ट वाला रोड है और इधर देखिए कितना जाम लगा हुआ है। आप देखिए, चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर के नज़ारे कैसे हैं। और देखिए ये है गुफा बनी हुई और यहाँ पर काफ़ी ठंडक है दोस्तों, माहौल ठंडा है बिल्कुल। देखिए आप जैसे ही यहाँ पर एंटर होंगे आपको मिलेगा एंट्री जो कि सबको वेलकम करता है। भैया जी ने बताया था वे टू केव से बुल राइड अगर आप करना चाहते हो तो बुल राइड भी कर सकते हो आप यहाँ पर। देखिए आगे शेर है, आवाज निकाल लिया वो। सही बताओ, टाइगर की गुफा। देखिए कर रहे हैं, शेर आ रहा भैया। देखिए दोस्तों ये है वो, यहाँ को हमें होकर जाना होता है। वो बहुत बहुत घने पत्थर है यहाँ पर। ये हमारे जावेद भाई ऐसा आ रहे हैं जैसे कि अलीबाबा 40 चोर की गुफा में। उस जावेद भाई फंसे। चलो आराम पाओ कर रहे हैं भाई। ओफो, ऐसा लग रहा है जैसे पेथरा की पहाड़ियों में चल रहे हो। जावेद भाई आप तो दिख ही ना रहे। और यहाँ देखिए हम बीच में फंस चुके हैं, यहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा। पहले और भाई लोग जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। चारों तरफ से बंद है, मैं बताना रहा हूँ। यहाँ जो बोला शेर रहता है। आजा जल्दी आजा, कभी तेरे काट ले। ओफो ये देखिए देखिए कौन से आ रहे हैं लोग। सो गाइस, टाइगर कैप से निकलने के बाद आपको एग्जिट का रास्ता ये मिल जाएगा और पैंथर कैप के लिए आपको नीचे को जाना होगा। पैंथर कैप जाना अभी, अब हम जाएंगे दूसरे पैंथर कैप। अरे बाप रे भाई, मैं तो पहली बार गुफाओं में आया हूँ और यहाँ की गुफाएं देख के तो मेरी हालत पतली हो गई। अरे बाप रे, यहाँ पे कैसे घूमा जाएगा भाई? बहुत फिसलन है, बहुत ध्यान से आना और आगे शेर भी मिल सकता आपको। तो देखिए भाई यहाँ का व्यू जैसे कि KGF की सुरंग में चल रहे हैं। यहाँ पर ये भी नहीं पता, निकला नहीं जा रहा भाई। अभी तो बिरयानी खा के आए थे, सारी पचा दी इस गुफा ने। सही सही हो ज्यादा ही रास्ता वाले लोग आगे से। अबे यार पता चल रहा है कुछ, कहाँ से खुला हुआ, कहाँ से बंद। ओफो ज्यादा कम यहाँ। ओफो ज्यादा भाई बहुत ही शानदार। अबे यार फंस गया क्या? अलग लेवल का एडवेंचर है भाई। अबे भाई साहब आगे से ये रहे, देखिए पूरे भाई शेर की आवाज। पूरे यार डरा दिया भाई शेर की आवाज में। सो गाइस, इस वाली कैप से निकलने के बाद हम जाएंगे अगली वाली कैप में, देखते हैं वो कैप किस प्रकार की होगी। ये वाली तो लोहिन वाली थी। और तो क्या चल रहे हैं हम दूसरी गुफा की ओर। दूसरी गुफा में दिखाएंगे हम आपको जंगल के नज़ारे। और अब हम जाएंगे पोर्कुपाइन कैप के अंदर। आए जावेद भाई देखें, जावेद भाई डर तो नहीं लग रहा? चलो चलो जावेद भाई, ये ऐसे लग रहा है बस क्या बोलते हैं कोई से पत्थर रसक ना जाए। वो देखिए जावेद भाई लेट लेट के निकलना पड़ रहा। जावेद भाई फंस गया, लेट लेट के निकलना पड़ रहा। जावेद भाई लेट लेट के निकल। जावेद भाई लेट लेट कर मछ निकलेगा लेट के। जावेद बैग फंस गया क्या यार?
ऐसा अभी रुक जाए मोबाइल दे दिया बाद में वो निकल गई। अरे बाप रे भाई, मैं तो पहली बार इस गुफा में आया हूँ भाई, बहुत खतरनाक जगह है। ओफ ओफ, फंसे तो नहीं जाओ भाई? नहीं नहीं फंसे नहीं, मुझे लगा पतला फंस गया तो भाग जाएगा। चलिए देखते हैं ऊपर क्या है, और काफी एडवेंचर आ रहा है। अभी एक गुफा और है, आप इधर को भी जा सकते हैं। बेस्ट पैथ में चलते हैं, इसमें भी चलते हैं आप आगे। ओह माय गॉड, फंस जाने वाला है, फंस जा तो बता दिया, नहीं आऊंगा। ओए देख तो मोई आगे का सोच, क्यों ना तुम बड़ा अंदर में बाप सुन में। ओए अरे फंस तो ना गए, निकल गए क्या? निकल गए। देखिए रास्ता बंद है, इधर से देखते हैं कौन सा जीव आता है। ओ भाई भालू भालू निकला, देखो भाई बहुत तंग जगह है, फुल एंजॉयमेंट आ रहा है यहाँ पर। जो भी बात है आप आए, हम तो भाई रसक रसक के उतर रहे हैं। देखिए सभी रास्ते ब्लॉक लग रहे हैं, मैं निकलता हूँ यहाँ से। इतने बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये भाई। नैनीताल आए तो ये जगह मिस करना ना भूलें। ये कौन प्राणी आ रहा है भाई लेटते लौटते? अरे ये तो हमारे जावेद भाई हैं, भालू की तरह निकल कर आ रहे हैं। जावेद भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ से निकलने? भाई बहुत, पहली बार मैं तो किसी कैब में आया हूँ और गुफा देखी, मार इतनी बड़ी नहीं देखी भाई गुफा। देखिए दोस्तों ये पत्थर है, यहाँ पर जो है ना लेट कर निकलना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है मैन वर्सेस वाइल्ड ने भी इतना सरवाइव नहीं किया होगा जितना हमने कर लिया आज। मोदी जी भी निकले थे इस बार, तो देखिए काफी काफी मजा आया यहाँ पर। भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत शानदार। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फ्लाइंग फॉक्स अपेक्स कैप यानी तीसरी गुफा। दो हमने दिखा दी है आपको, ये जावेद भाई चल रहे हैं हमारे यहाँ पर खड़े वाली, और देखिए बहुत ही शानदार नज़ारे ये फ्लाइंग फॉक्स में। जावेद भाई आगे बढ़िए। तो जावेद भाई दो गुफाओं का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तीन पार कर दी हमने भाई, तीन पार कर दी, अरे चौथी कर लें भाई। मेरे लिए अच्छा आप नहीं जा पाए, कोई नहीं फिर हम तो निकल जाएंगे, हम बहुत पतले पतले हैं। देखिए सूरज की किरण दिखने बंद हो जाएंगी कुछ ही देर बाद, इधर बच्चे आ रहे हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है काफी प्राकृतिक है, जेट पे फोर ट्विस्ट है। इन फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई यूट्यूबर है हमारे साथ। इधर चलना, चलो भाई। भाई बहुत कठिन लग रहा है रास्ता, तो ये वाली कैब बहुत खतरनाक है भाई। जाओ भाई कर लोगे पार ना? बहुत पतली कैब है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है। कितनी डरावनी है गाइस गुफा, ये देखिए हमारे भैया ट्रैवलिंग उत्तराखंड, ये भी यूट्यूबर है, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। देखिए दोस्तों जावेद भाई हमारे संघर्ष करते हुए, वो अपनी टांग तोड़ने वाला है दोस्तों। बड़े जावेद भाई आगे, बहुत ही फाइनली हम इसको पार करने वाले हैं। देखिए बहुत ही काफी संघर्ष के साथ हमने इसको पार किया। तो ये वाली कैप पार करने के बाद अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर, और काफी एंजॉयमेंट भी रहता है यहाँ पर। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, आप यहाँ पर साइकिल भी चला सकते हैं, कई प्रकार की आप यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं। उधर चल रहे हैं, और यहाँ पर ड्रेसेस भी हैं रेंट पर, ड्रेसेस पहन के फोटो शूट वगैरह भी करा सकते हैं। इधर का व्यू पॉइंट दिखाते हैं आपको हम, तो ये यहाँ का व्यू पॉइंट कुछ ऐसा आता है, काफ़ी शानदार है। नैनीताल आए तो ज़रूर यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं पूरे नैनीताल में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एडवेंचर प्लस खेल प्लस व्यू सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ से। अपने बच्चों को फ्लाइंग फॉक्स वाली एक्टिविटी भी करा सकते हैं, ऐसे जाते हैं यहाँ पर बच्चे लटकते हुए, बच्चे मन के सच्चे। देखिए यहाँ पर काफ़ी फन एक्टिविटी भी होती है दोस्तों, आप अगर कर सकते हैं वाली बच्चों के साथ अपने। तो गाइस
ब्लॉग को करते हैं हम यहाँ पर खत्म। बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, हमें बहरहाल खूब इंजॉयमेंट लिया हमने यहाँ पर। आप भी आइए एक बार ज़रूर यहाँ पर, और बताइए ब्लॉग का कौन सा पार्ट बेस्ट है। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए पेड़ हैं, ये आँख मार रहे आप, बहुत इसे भी कटवाना पड़ेगा।